देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ साक्षी निर्माण। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों से। बहराइच के नए एसपी प्रशांत वर्मा ने आज चार्ज संभालते ही अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं। उन्होंने बहराइच में आने के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि टॉप 10 अपराधियों, ड्रग्स माफियाओं, महिला समन्वित अपराधों और माफियाओं पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने जनसुनवाई को सरल करने की बात भी कही। नव आगंतुक पुलिस अधीक्षक बहराइच ने युवाओं से अपील की है कि वो नशा और अपराध से दूर रहे, इसका अंत बुरा ही होता है। पुलिस अधीक्षक का चार्ज ग्रहण किया है और जो शासन की प्राथमिकता है जिसमें महिला सुरक्षा और जो टॉप 10 अपराधी हैं उनके विरुद्ध चिन्हित कर कार्रवाई करना, माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना, जो ड्रग्स के माफिया हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना, इसके अतिरिक्त जो यातायात सुविधा है उसको और बेहतर करना और जो जन सुनवाई के जो कार्य हैं उनको और तेज़ी से और बढ़ाना, जन सुनवाई को और सरल करना ताकि थाने स्तर की जो समस्याएं हैं वो थाने पर ही हल हो सकें। पाल साहब, ये नेपाल सीमावर्ती जनपद है, इसको लेकर के खुली सीमा है, इसको लेकर के क्या इसमें जितनी भी सुरक्षा एजेंसियां अन्य भी जो इन्वॉल्व हैं सबके साथ मिलकर के एक जो समन्वय स्थापित करते हुए प्रभावी इसमें कार्रवाई की जाएगी। सर, आप युवा अधिकारी हैं, युवाओं के लिए स्पेशल मैसेज अगर आप दे सकते हैं। युवाओं के लिए सबसे पहला मैसेज तो है कि नशे से दूर रहें, ड्रग्स से, शराब से, किसी भी प्रकार के नशे से, नशे से किसी का भला नहीं होता है, पहली चीज़ तो ये समझें। दूसरा ये है कि जो अपनी ऊर्जा है उसको सकारात्मक रूप से लगाएं और किसी भी दशा में कहीं भी कोई अपराध जगत के जो एक है उसकी तरफ कहीं कोई आकर्षित ना हो, इसका अंत हमेशा ही बुरा होता है।